बताइए कि वेदांता से फॉक्सकॉन रूट के चला गया, जो भी हुआ हो हमें अंदर की बात तो नहीं मालूम, लेकिन वेदांता स्टॉक आज प्रेशर में आता हुआ नजर आ रहा है। पहले इसमें थोड़ा आगे पीछे हुआ कि ये सेमीकंडक्टर का कारोबार वेदांता लिस्टेड कंपनी में आएगा या नहीं, और अब आफ्टर ऑल ये जॉइंट वेंचर भी टूट गया। आप कैसे देखते हैं ये बाजार उसको नेगेटिव की तरह से रीड कर रहा है वेदांता के लिए? देखिए, तो राम मलाई जोड़ी थी पहले भी, तो कोई खास उम्मीद नहीं थी इससे कि ये फ्रुक्टिफाई होगा। ना तो वेदांता के पास पैसा था और ना फॉक्सकॉन के पास इतनी कोई खास टेक्नोलॉजी, तो उम्मीद कम ही थी। और फॉक्सकॉन का जो इतिहास रहा है यूएस में, इंडोनेशिया में, बड़े बड़े प्लान उन्होंने अनाउंस किए लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और वेदांता को तो हम सब जानते ही हैं कि वो एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं था। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ उम्मीद ही नहीं थी, तो फिर गया क्या है वो समझ नहीं आ रहा है।